Hey guys, welcome back to my channel. कैसे आप सब? उम्मीद आप सब बहुत बढ़िया होंगे. और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के साथ जब भी मैचेस होते हैं ना, वो कमाल का होता है. वो थोड़ा सा हाइपर में आ जाती है. सभी लोग सोचते हैं कि क्या होने वाला, कौन सी तरीके से कौन खेलेगा, क्योंकि स्लेजिंग काफी सारी होती है भाई साहब. तो मैच जीते कोई भी, मगर दिल दोनों टीम जीतते हैं. ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये मैच T20 वाला हो रहा है. टेस्ट हो और टेस्ट, सारी चीज में जब भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया सामने आती है ना, तो कमाल का मुकाबला होता है. चलिए पूरी वीडियो बात करते हैं. पूरी वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आप सब हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो प्लीज फेसबुक पेज पे भी फॉलो करें, क्योंकि आप सबका प्यार मुझे वो बहुत जरूरत है. चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. आगाज अच्छा तो अंजाम अच्छा. पहली गेंद पर छक्का के पत्तों की तरह मुश्किल ही नहीं नामुमकिन नजर आता है. इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 9 तारीख से शुरू हो रहा है पहला टेस्ट मैच. ये सीरीज दोनों टीमों के लिए बहुत जबरदस्त होने वाली, क्योंकि दोनों टीम एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानती है, एक दूसरे को अच्छी तरीके से पहचानती है. आपस में आमने सामने होंगे कई सारे से, मगर देखना दिलचस्प होगा कौन बनेगा ढेर और कौन सजाएगा अपने मंच पे वो सरपंच वाला चेहरा. एक तरफ होंगे ऑस्ट्रेलियन, इसमें दूसरी तरफ होंगे विराट कोहली. दोनों अपनी जगह में तो दोनों बेस्ट है भाई साहब. रन मशीन कोहली ने कहा जाता है. तो एक तरफ जो आएंगे वो जबरदस्त है ऑस्ट्रेलियन स्मिथ. उन्हें डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड भी उन्होंने तोड़ के रखा थोड़ा सा भाई साहब. वो कर सकते हैं जबरदस्त टेस्ट के, तो जबरदस्त बल्लेबाज हैं. और जो बिग बैश में शतक लगाया था ना, वो उन्होंने प्रूव किया था मैं T20 भी खेल सकता हूँ, तो वो भी आएंगे. 3 साल से शतक नहीं लगा विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट में, तो उसको भी पूरा करने के लिए आएंगे. तो बहुत सारी ऐसी चीज होने वाले जामने सामने आएंगे. तो पहले बात करते हैं कि इंजरीज का प्रॉब्लम, क्योंकि जब भी टेस्ट क्रिकेट आती है ना और कोई सीरीज स्टार्ट होती है, तो जो अगर आपके सामने इंजरीज का प्रॉब्लम आ जाए तो किसी टीम के लिए गुड न्यूज होती है, किसी टीम के लिए बैड न्यूज होती है. मगर क्रिकेट के लिए तो हमेशा बैड न्यूज रहती है, क्योंकि क्रिकेट चाहता है कि कोई इंजरीज का प्रॉब्लम ना हो. सबसे पहले अगर इस टेस्ट में किसी चीज को मिस किया जाएगा तो वह है भाई साहब हमारे ऋषभ पंत साहब को, जो ये टेस्ट नहीं काफी महीनों तक शायद इंडियन क्रिकेट टीम के लिए ना खेलता दिखाई दे. सभी फैंस चाह रहे हैं कि वो जल्दी ठीक होके आए और हम सबको रिप्रेजेंट करें, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका एक अच्छा नहीं जबरदस्त आंकड़ा रहा, चाहे विकेटों के पीछे हो चाहे बल्ले से हो. तो उन्हें मिस करेंगे, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा मिस करेंगे. अब बात करते हैं इंजरीज का प्रॉब्लम. इंजरीज का प्रॉब्लम ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ी मार है, क्योंकि उनका ना दिल और धड़कन दो मार है. अब आप सोच रहे दिल और धड़कन को गेंदबाजी में, दिल और धड़कन है जॉस हेजलवुड, जो दोनों तरफ स्विंग करता है भाई साहब. अगर नई गेंद हाथ में होना, ये दोनों तरफ स्विंग करा सकते हैं, कभी भी वो विकेट ले सकते. खास करके जो आखिरी पारी होती है, चौथा पारी में जब भी ये गेंदबाजी करने आते हैं, तो 2-3 ऐसे गेंदबाज हैं जिन्हें मैं कह सकता हूँ ये कभी भी गेंदबाजी करें अच्छा करेंगे. जैसे कि मेरे फेवरेट हैं जेम्स एंडरसन, डेल स्टेन ये, और उसके साथ साथ जॉस हेजलवुड. ये जब भी गेंदबाजी करते हैं आते हैं तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये विकेट ले जाएंगे. तो जॉस हेजलवुड पहला टेस्ट मैच में नहीं है भाई साहब. दूसरा जो गन है भाई साहब, ये सुपर गन मशीन है. इनके पास वो पेस है ना, पेस से आपको बीट करा देंगे. मिचेल स्टार्क की बात कर रहे हैं. उनकी थोड़ा सा एल्बो में चोट है, वो गेंदबाजी के लिए अवेलेबल पहला टेस्ट मैच में तो नहीं है ऑफिशियल से, शायद दूसरा हो या ना हो, अभी तक वो ऑफिशियल न्यूज आई नहीं है, मगर ये पहला टेस्ट मैच में नहीं खेलते दिखेंगे. और इंडियन टीम के लिए अब बात करते हैं, इंडियन टीम के लिए श्रेयस अय्यर पहला टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे. अच्छे फॉर्म में थे मगर उनको भी इंजरीज है, तो भी नहीं खेलेंगे. अब बात करते हैं कि केएल राहुल वापस आए हैं, तो केएल राहुल को कौन सा पोजीशन में बैटिंग करने मिलेगा. केएल राहुल जब भी खेले हैं वो ओपनिंग कर सकते हैं, ये एक अच्छे प्लेयर है, एक सेट बल्लेबाज है. वो कभी भी किसी भी डाउन पे से खिलौड़ भी खेल सकते हैं, चाहे वो ओपनिंग के रूप में करते देखा गया हो, चाहे वो 4 नंबर पे किए 5 नंबर पे. ये काफी स्टाइलिश बल्लेबाज है. जब भी इनको मौका मिला है अच्छा काम किया है. पिछले 1 साल से फॉर्म में नहीं, मगर फॉर्म में आ सकते भाई साहब. ये वर्सटाइल बल्लेबाज है, जबरदस्त बल्लेबाज है ये. इनकी टेक्निक में कोई कमी नहीं है, थोड़ा सा ये लक जो है ना अभी साथ नहीं है, मगर उम्मीद है कि इस टेस्ट मैच में वापस है. मगर ओपनिंग के लिए कौन आएंगे, क्योंकि रोहित शर्मा अवेलेबल है, साथ ही साथ शुभमन गिल, जिन्होंने 200 जड़ा भाई साहब
ODI में 200 जड़ा है, तो उनका मेरे ख्याल से ये दोनों ओपन करने वाले हैं। अगर ये दोनों ओपन करते हैं तो फिर KL राहुल थोड़े से नीचे आएंगे, नीचे क्या 5 नंबर बल्लेबाजी कर सकते हैं, KS भारत भी है। तो सवाल ये निशान तो है, क्या सूर्य कुमार यादव, सूर्य कुमार यादव को इस पूरी सीरीज के दौरान मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये डेब्यू करने वाले हैं। मगर सबसे बड़ी जो सवाल है ना, सबसे बड़ी जो समस्या है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अगर सरफराज खान होते ना तो बहुत ही जबरदस्त होता, मगर अभी है नहीं, चलिए उसके बारे में बात करेंगे। मगर सूर्य कुमार यादव को क्या मौका मिलेगा, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि पहला मैच में मौका मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया के लिए गेंदबाजी में थोड़ी सी समस्या है, क्योंकि उनके पास दो मेन गेंदबाज नहीं है, तो और 3-1 है कैमरन ग्रीन, वो गेंदबाजी नहीं करेंगे, तो थोड़ा सा यहाँ सवाल है निशाने कि कैमरन ग्रीन अगर गेंदबाजी नहीं करते हैं तो फिर आपके पास जो ऑप्शंस है ना वो थोड़ा सा लिमिटेड हो जाएगा, और लिमिटेड ऑप्शन के साथ मैदान में उतरेगी पैट कमिंस जब से कप्तान बने हैं ना, और इनकी गेंद से भाई, बल्ले से भाई, सारी चीज़ में अव्वल आए, किसी ने ऐसा सोचा नहीं था कि एक अच्छे कप्तान बन के आएंगे, मगर ये कप्तान ज़बरदस्त है भाई साहब। बल्लेबाजी में स्टीवन स्मिथ, मार्शल लेमिशन, ये दोनों पे पूरी तरीके से दारमदार रहेगा, अच्छा करेंगे। अगर ये दोनों अच्छा करते हैं तो आप लिख के ले रही है सीरीज में अच्छा ऑस्ट्रेलिया करने वाली। अगर ये दोनों फेल हुए तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे। उस्मान ख्वाजा ओपन करते हुए सेट आएंगे, क्योंकि उस्मान ख्वाजा के साथ इंडिया का कनेक्शन कुछ अलग रहा है, जब भी खेले हैं अच्छा खेले हैं, उम्मीद है कि इस सीरीज में अच्छा खेलेंगे। और भी ढेर सारी न्यूज आप सबके साथ शेयर करने के लिए आएंगे। अगर आप सब हमारे चैनल को प्यार दें, और मुझे उम्मीद आप सब जिस तरीके से प्यार देते आ रहे हैं और देंगे, तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आने वाले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।